श्री आरसी सक्सेना जी प्लीज कम ऑन डायस एंड ब्लेस अस। जब इनका आया कि मुझको आना है तो मैं बता नहीं सकता, मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि मेरे बच्चों ने मुझको आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको मेरा धन्यवाद। एक बात बताऊं, मैं जो अपने हैं वही अपनों को बुलाते हैं, अपना तो दिखाकर हम जैसों को बहुत ही हर्षाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में सुबह से लगातार मैं बहुत बातें सुनता आया, उससे जिस्ट क्या निकला, उससे जिस्ट ये निकला राजेंद्र जी कि जो व्यस्त है आपकी तरह वही मस्त है, और जो मस्त है वही स्वस्थ है, और जो स्वस्थ है वही आश्वस्त है, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, जो आश्वस्त है वही आपकी तरह बहुत जबरदस्त है। हकीकत है ना सर, आप तो हमसे भी ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आप तो सभी को आशीर्वाद देने वाले हैं। और एक बात मैं और जानता हूँ कि मेरी माँ कहा करती थी कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को स्थिर रखना ये बहुत जरूरी बात है, खासकर आजकल के जमाने में लोग तुले रहते हैं कि दूसरे को सूत्रे को अनस्टेबल बना दो और मैं स्टेबल होकर स्टेबल से भी ऊपर चला जाऊं। एक बात और है, मेरी माँ मुझसे कहती थी कि देखो बेटे तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पे खड़े रहना। मैं राजेंद्र जी को जानता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, जो पैरों पे अपने खड़ा है वही सबसे बड़ा है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ आपको। वो और भी कहती थी कि देखो अगर कोई तुम्हें हेल्प कर दे तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना, वरना अपने पैरों पे ही खड़े रहना। ये नहीं कि आज मेहरी नहीं आई तो ये नहीं काम कर सकते, आज झाड़ू नहीं लगा सकते, आज खाना नहीं पका सकते, ये सब कुछ वो कर लेते हैं जो मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनका गुरु रहा हूँ ना। तो राजेंद्र जी आप तो इतनी पुस्तकें लिखते हैं, हमने भी थोड़ी बहुत लिखी हैं, लेकिन आपका जवाब नहीं है, आप लाजवाब हैं। तो काइंड ऑफ यू, आप मुझे उन बातों की याद दिलाते हैं जो अच्छी होती हैं। और मैं एक बात आपको और बताऊं, जीवन में जो अच्छी बातें हैं और अच्छी यादें हैं सिर्फ उन्हीं को याद करना चाहिए, और जो बुरी बातें हैं दुख देने वाली हैं उन्हें त्याग देना चाहिए, इससे आपका जीवन जो है वो बहुत ही आनंदित रहता है, सुखमय रहता है। ये इतने अच्छे हैं, मेरी बेटी डॉक्टर मोना ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी प्रतापगढ़ में, पहली कॉन्फ्रेंस थी और लोगों ने कहा कि कोई नहीं आएगा, हमने मोना से कहा अपने पैरों पर खड़ी हो ना, सब आएंगे। 287 लोग आए और 10 देशों से विदेशी आए, और उन सब में हमारे श्रीमान जी भी पधारे, और इन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया कि लोगों का मन मोहित हो गया, और आज भी सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जरूर जानते, बाकी दुनिया को जाने चाहे ना जाने। तो आने जाने से, मिलने जुलने से, एक दूसरे से बात करने से आप बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं और बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। हमारे भार्गव साहब टीचर हुआ करते थे, एक टीचर का और भी काम है कि आप लोगों को मोटिवेट करिए। हमारे डॉक्टर भार्गव साहब बहुत मोटिवेट करते थे हम लोगों को, और उन्हीं की कृपा से हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड फेलोशिप मिली, हम वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने गए, हमने 10-12-20 हज़ार लोगों को संबोधित किया, पता नहीं मैंने क्या क्या किया, सब उनकी कृपा से। तो जो बड़ा है बड़ा ही रहता है, और अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी माहिर हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनके आशीर्वाद और आशीष से आप पता नहीं नफ की किन किन ऊँचाइयों को छू लेते हैं। आप अपने को कभी कमजोर मत समझिए, आप समझिए कि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। सब कहें कोई अरे तुम तो बुढ़े हो गए यार, अरे बुढ़े हो गए, सारी साइकोलॉजी ख़राब करते हैं, सारे लोग कह रहे हैं इनकी बढ़ती उम्र में अरे ये तो वैसे ही लगते हैं जितने हमको तब लगते थे जब आए थे। और इन्होंने जो कमाल दिखाए हैं और उस कमाल की जो आज अंतिम छड़ी है, अंतिम का मतलब ये नहीं है, ये तो आगे भी करते रहेंगे, उसके लिए मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके आमंत्रण पे मैं यहाँ आया और मुझे कितने सारे सुंदर सुंदर चेहरे देखने को मिले,
और बहुत से ऐसे चेहरे मिले जिनको मैंने न जाने कितने दिनों के बाद देखा था। इन चंद शब्दों के साथ में ज्यादातर तो मुझसे लोग एक को छोड़ करके सब छोटे ही हैं, तो आप सारे के सारे जितने हैं यहाँ बैठे वो सब मेरे बहुत ही प्यारे न्यारे अपने बच्चे हैं, और उन सबको मेरा बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।